तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में जैसे जैसे वेजिटा और ट्रंक्स जिरेन की यूनिवर्स 11 में कदम ही रखते हैं कि वो नोटिस करते हैं कि उन्होंने पूरी की पूरी यूनिवर्स का सत्यानाश कर डाला। कि देखते ही देखते उनकी नजर उसी अनजान सी वेपन पे पड़ती है। उसमें उस अनजान एंड्रॉइड के साथ ही साथ एक बहुत तेज रोशनी भी निकलती है, जो कि वो एंड्रॉइड देखते ही देखते उस रोशनी का मौका पाते ही वेजिटा की बॉडी पे टेक ओवर कर लेता है। ट्रंक्स उसके लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद होता है। वहीं पे एंड्रॉइड वेजिटा उसकी तरफ एक की ब्लास्ट मारता है। खैर यार जैसे जैसे ट्रंक्स उससे रोकते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है, हमारी मजाल कैसे हुई मेरे डैड की बॉडी लेने की। आनी जाती है हर्ट्स पे और उसके चमचों पे उसी वेपन के ऊपर मौजूद होते हैं और वो आपस में बातें करते हुए कहते हैं काफी जबरदस्त सरप्राइज अटैक उन पे काम कर गया। की बहन उसका नाम चिल्लाते हुए कहने लगती है, ओरन बताओ मुझे आखिर उसकी बॉडी कैसी है। इसके जवाब में काफी एक्साइटेड, काफी क्यूरियस, काफी मोटिवेशन से कहने लगता है, उसका कोई जिस्म नहीं बल्कि पूरी उभरती हुई पावर है। अब जैसे जैसे ट्रंक सुपर सैयन बनते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है कि उसी दौरान वो एंड्रॉइड वेजिटा ट्रंक्स के खिलाफ स्मैश ब्रेकर का इस्तेमाल करता है, कारण वो ट्रंक्स पे बारी पड़ते हुए उसे सीधा पानी में फेंक डालता है। इसी बीच में कहानी जाती है यूनिवर्स 11 के टॉप ऑफ द टॉप फाइटर जिरेन पे, जिसका मुकाबला फिलहाल ईवा सैयन को खंबर के साथ चल रहा होता है। कि ईवा सैयन ने टॉपो पे बारी पड़ते हुए उसे जमीन पे मार फेंक डाला था, वो यही कोशिश जिरेन के खिलाफ करने की कर रहा है। पता जिरेन उसके सारे के सारे वार को डॉच करते हुए बचते हुए रोकते हुए सब कुछ करते करते उस पे बारी पड़ता चला जा रहा होता है। यहाँ तक ईवा सैयन को खंबर अपने ईवा सुपर सैयन में भी जाता है, पर तब भी वो जिरेन को छू ना पाता। बड़ी हुई देखते ही देखते हार्ट्स उस पे भी उसी अनजान फोर्स का यूज करता उसने एक वक्त में वेजिटा के खिलाफ की थी, तक वो फोर्स जिरेन जैसे को भी उसके घुटनों पे ले आती। उसके बाद हार्ट्स ओरन को कहता है, अब तुम जाके अपनी नई बॉडी जिरेन के खिलाफ टेस्ट करो। तो हाँ यार अब जिरेन वर्सेस ओरन चल रहा था। यहाँ पे कुकंबर ऊपर देखते हुए हार्ट्स की आंखों में आंखें डाल के कहता है, हार्ट्स ये तो मेरा दुश्मन था। पर हार्ट्स उसे कहता है, तुम्हारी जरूरत हमें यूनिवर्स 3 में है, जिसमें हार्ट्स अपनी और उस वेपन के थ्रू से यूनिवर्स 3 में सीधा भेज देता है। इसी और हमें जिरेन और ओरन के बीच में लड़ाई दिखाई जाती है, जहाँ पे ओरन की बहन भी उसकी मदद के लिए सीधा पहुंच जाती है। यहाँ पे वो दोनों मिलके उस पे अपनी की ब्लास्ट से अटैक करते हैं, पर उसे जरा भी फर्क ना पड़ता। उसके ठीक बाद समासु जिरेन पे टूट पड़ता है। दोनों के दोनों एक दूसरे को छूने की पूरी कोशिश करते हैं, फिलहाल तो कोई एक दूसरे को छू ना पाता। वहाँ पे समासु को थोड़ी बहुत मुश्किल आ रही होती। समासु पीछे हटके कहता है, अपने गंदे हाथ खुदा से दूर रख। ये सब कुछ कह रही होता है कि ऊपर से ट्रंक्स उस पे टूट पड़ता है, जहाँ पे समासु तो ऐनी मौके पे हट जाता है। हालांकि ओरन जबकि ओरन ट्रंक्स को अपने की ब्लास्ट से उड़ा उड़ा के फेंक रहा होता है, वो उसके साथ पूरे तरीके से खेल लेता है। बस उसका काम तमाम करने को ही जा रहा होता है कि इसी बीच में जहाँ से चमकती हुई रोशनी सीधा यूनिवर्स 11 में टूट पड़ती है। अब जैसे जैसे जो वो लाइट एनर्जी हटने को लगती है, सारे लोग अपने अपने कलेजे को थाम बैठा हो। यहाँ पे उतरता है ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू, जिन्हें गोकू को देख के काफी हैरान होता है। दूसरी ओर समासु की पावर देख के अब उसे कुछ समझ में ना आ रहा था कि सर खुजाऊं या कमर, अब तो कुछ दिख रहा भी नहीं है, बस पैरों तले जमीन खिसक गई है। जैसे उसके सर पे छत टूटा है, उसके पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं बचती। वहाँ पे मौजूद कोकू जरा भी टाइम वेस्ट किए बगैर सीधा सभी लोगों को इग्नोर करते हुए सीधा एंड्रॉइड ओरन की तरफ बढ़ के सब अपनी अल्ट्रा स्ट्रेंथ चार्ज से एक टक्कर ही देता है। तो कहता हूँ उसकी सीधा फोर्स से उड़ के शायद चला जाता है। इतने में गोकू ने उठाया होता है ट्रंक्स को अपनी बाहों में, आनी जाती है ग्रैंड ब्रिज पे, जो कि कहता है, वाह। खैर यार वो मजीद बोलता, तुम्हारी मर्जी संग गोकू, तुम इन्हें जैसे मर्जी हैंडल करो। ये कहते हुए ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चला जाता है। जाती है एक और बार फिर से समासु पे, जो कि उससे अपनी आंखों पे अभी तक यकीन ना आया होता। वो कहता है, ये पावर नहीं, ये हो ही नहीं सकता। जैसे जैसे समासु उसकी तरफ बस थोड़े से कदम ही लेता है, जिरेन आके उसके वार को रोक के उसके मुंह पे एक दमदार पंच मारता है। अभी लोगों में मौजूद ओरन दोबारा से गोकू की तरफ पढ़ने लगता है, जो कि अल्ट्रा इंस्टेंट में काफी कामली वहाँ पे खड़ा होता है। जैसे ही गोकू की धीरे से रेंज में एंटर ही करता है, दोबारा से अपना फिस्ट उसके मुंह पे दे मारता। उसके बाद ओरन गोकू की तरफ अपने की ब्लास्ट मारता, गोकू ने ऐसे डॉच करता ऐसे वो गोकू के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद गोकू अपने डेड किलो का हाथ की से भरा भरा हुआ हाथ सीधा दे मारता है, जिसके कारण ओरन सीधा वेजिटा के जिस्म से बाहर निकलता है। ओरन की बहन गोकू की तरफ बढ़ती है, पर गोकू का एक हाथ ही उसके लिए काफी होता है। गोकू की आंखों में आंखें डाल के ऊपर से खड़ा मुस्कुरा रहा होता है, जाती है गोकू की तरफ, जो कि बस उसकी तरफ कूदा होता है और उस पे टूटने के लिए तैयार बैठा होता है। गोकू की आंखें चमक उठती है, पर इससे पहले हमें कुछ और दिखा देता, हमारी एपिसोड यहीं पे खत्म होती है।